सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आपने पुराने वीडियोस देखे मेरे तो मैंने आपको बताया था एप्पल की WWDC वर्ल्ड वाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है और वो शुरू हो चुकी है और उसमें कुछ अपडेट्स निकल के आने वाले थे, खासकर iOS 14 को लेकर। तो बहुत सारे अपडेट्स आए हैं और कुछ अपडेट्स के बारे में मैं आपसे आज बात करने वाला हूं और चलिए देखते हैं क्या क्या अपडेट्स निकल कर आए हैं। तो सबसे पहले जो बात करते हैं, जो सबसे ज़्यादा वेटिंग में था और जिसकी सबको इंतज़ार थी, वो है iOS 14 की। iOS 14 को लॉन्च कर दिया गया, अनाउंस कर दिया गया है एटलीस्ट, और इसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके फ़ीचर्स आए हैं। इसके कुछ फ़ीचर्स की बात हम आज करते हैं। इसमें जो सबसे मेन फ़ीचर आया है वो है ऐप लाइब्रेरी का फ़ीचर दिया गया है इसमें, जिससे इस फीचर में क्या होता है कि जो आपके ऐप से इसको एक फोल्डर में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और इसको राइट स्वैप करके आप उसको देख भी सकते हैं, एक्सेस भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप उस ऐप लाइब्रेरी में कोई भी ऐप है जिसे आप हाइड करना चाहते हैं वो हाइड भी कर सकते हैं। सर्च करने का भी फ़ीचर है इस ऐप लाइब्रेरी में, आप उसे सर्च भी कर सकते हैं और आप एक तरीके से सारे ऐप्स को बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाएंगे और इसको डेली लाइफ में बहुत अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। दूसरे फीचर की बात करें तो दूसरा फीचर इसमें दिया गया है पिक्चर इन पिक्चर। इसके इस्तेमाल से होता यह है कि आप एक साथ ही ऐप को भी यूज़ कर सकते हैं और इसको वीडियो को भी देख सकते हैं। आप जब इसे यूज़ करेंगे तो ये वीडियो को मिनिमाइज़ कर देगा एक तरीके से, जैसे आप YouTube वगैरह में देखते हैं और आजकल तो Facebook में भी ये फ़ीचर आ चुका है। इसके अलावा अगर ज़्यादा बात करें तो ये फ़ीचर पहले से टैब में था, लेकिन अभी ये फ़ोन में भी आपको मिलने वाला है। इसके ज़रिए आप अच्छे से दो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं और ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एप्पल ने अपने वॉइस असिस्टेंट सीरी को भी अपडेट किया है और इसमें ट्रांसलेट ऐप जोड़ा है, जिससे होगा ये कि आप बिना इंटरनेट के भी इसको बहुत ही आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है और सीरी यूज़ करना चाहते हैं तो अब आप इसको भी यूज़ कर पाएंगे। ये फीचर मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। iOS 14 में आपको मैसेज ऐप है वो भी अपडेट किया गया है और इसका इस्तेमाल करते समय आप इसमें पाएंगे कि इसमें मेमोजीज ऐड किए गए हैं। तो जब आपको मैसेज आएगा और आप अगर मैसेज को रिप्लाई करते हैं तो रिप्लाई करते समय आप इसमें मेमोजीज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसमें एक बहुत अच्छी मेमोजी ऐड करी गई है, जिसमें आपको पता है कि कोरोना वायरस में हम सभी मास्क लगा के रखें, तो इसमें एक मेमोजी है जिसमें हम मास्क लगाते हुए दिखाया गया है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एप्पल मैप्स में गाइड और साइकिलिंग फीचर को ऐड किया गया है, ये काफ़ी अच्छा है और इससे होगा ये कि आपको शॉर्टेस्ट रूट ढूंढने में बहुत आसानी होगी। और इसके अलावा EV राउटिंग के थ्रू आप आसपास में जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल चार्जिंग पॉइंट है उसको सर्च करने में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको इस फीचर के थ्रू। इसके अलावा iOS 14 में ऐप क्लिप नाम का एक फ़ीचर जोड़ा गया है, इससे होगा ये कि आप अगर किसी ऐप को इंस्टॉल करना चाहते हैं उससे पहले ही आप इसमें प्रीव्यू देख पाएंगे और आप जान पाएंगे कि अगर आपको ये यूज़ करना है, आपको अच्छा लग रहा है या आप यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो आपको इंस्टॉल करने से पहले ही इसका प्रीव्यू मिल जाएगा बिल्कुल, और आप उसे आराम से देख सकते हैं और डिसीज़न ले सकते हैं आप इंस्टॉल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो ये भी एक अच्छा फीचर है जो iOS 14 में मिलने वाला है। तो ये तो हो गए वो फीचर्स जो मैंने आपको बताया है कि ये iOS 14 में मिलने वाले हैं, लेकिन अब बात करते हैं कि आपको किन किन डिवाइसेस में iOS 14 का अपडेट मिल सकता है या आने वाले समय में मिलने वाला है। तो कुछ डिवाइस हैं जिसके बारे में बताया गया है कि इनमें आपको iOS 14 का अपडेट मिल सकता है। तो और डिवाइस की जो लिस्ट है वो कुछ इस तरह है कि iPhone XS Max, और मैं आपको बता देता हूँ कुछ और भी डिवाइसेस हैं इसमें बताया गया है कि iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE, iPhone 6X, 6X Plus, ये सारे जो डिवाइस हैं इसमें आपको मिलेगा iOS 14 का अपडेट। इसके अलावा MacBook की बात करें तो MacBook में सभी को लग रहा था कि macOS 10.15 के बाद 10.16 आएगा, लेकिन Apple ने अनाउंस किया है कि MacBook में OS नया आएगा जिसका नाम है macOS Big Sur और इसे लाया जाएगा कुछ समय बाद। ये एक्चुअली macOS 11 होगा, macOS 16 नहीं दिया गया, 15 के बाद डायरेक्ट इसमें 11 आ गया है और इसमें कुछ कमाल के फीचर आने वाले हैं। जो आइकन्स वगैरह हैं वो काफ़ी अच्छा सा व्यू मिलेगा, काफ़ी चेंज मिलेगा आपको, और बताया ये जा रहा है कि जो इन्होंने सफारी जो इनका ब्राउज़र है उसे काफ़ी अच्छे से अपडेट किया है और एप्पल ने दावा किया है कि ये क्रोम से भी 50 गुना
ज़्यादा फास्ट चलने वाला है, इसकी स्पीड ज़्यादा अच्छी होने वाली है। तो ये तो जब आएगा तब यूज़ करेंगे, जब पता चलेगा। और भी काफ़ी सारे इसमें चेंजेस लाए गए हैं। इसके अलावा मैकबुक में एप्पल का इन हाउस प्रोसेसर आया है, मतलब अनाउंस किया गया है, जो कि आने वाले समय में ऐसा कहा जा रहा है कि इस साल के अंत तक आ जाएगा, तो वो काफ़ी अच्छा होगा। और एप्पल की जो सिलिकॉन चिपसेट होगी वो ARM बेस्ड रहेंगी, और इससे एप्पल ऐसी कोशिश कर रहा है कि वो इंटेल को टक्कर देगा और अपने खुद के बनाए हुए चिपसेट हैं उन पे ही काम करेगा। तो एप्पल अपने खुद के बनाए हुए चिपसेट यूज़ करेगा, ये काफ़ी अच्छा है, और साथ ही साथ वो इंटेल को देगा टक्कर। तो ये कुछ अपडेट थे जो कि WWDC में अनाउंस किए गए हैं, मुझे लगा आप लोगों को बता देना चाहिए। अगर आप मैक लवर, एप्पल लवर आए और जो एप्पल के फ़ैन हैं उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लोग नज़र बनाए हुए हैं WWDC पे। इस बार हालांकि मैंने आपको बताया था कि ये इवेंट ऑनलाइन हो रहा है, नॉर्मली ऑफलाइन होता है, बहुत पब्लिक गैदरिंग होती है, लेकिन कोरोना की वजह से ये ऑनलाइन इवेंट हो रहा है। और ये कुछ अपडेट हैं, देखने और भी है कि और क्या क्या अपडेट आने वाले हैं, खासकर WatchOS और बाकी चीज़ों को लेकर। तो जब भी कोई अपडेट आएगी मैं आपको बताऊँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।